देखिए मित्रों, जैसे जनसंवाद का कार्यक्रम मेरा लगातार चल रहा है, ये छठा राउंड है और इस पहले के राउंड में इस जिले की 3 विधानसभाएं नांगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ ये हो गई थी। अब जो बची हुई अटेली विधानसभा को आज मैंने पूरा किया है, इसका आखिरी कार्यक्रम हुआ है। सामान्यतः ऐसे कार्यक्रमों में हम लोगों से जनसंवाद करते हैं, घोषणाओं का इतना महत्व नहीं होता जितना उनके द्वारा अभी तक जो सरकार की स्कीमें योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की है चाहे प्रदेश सरकार की हैं, वो कितनी नीचे पहुंचती हैं। मुझे पर्याप्त संतोष हो रहा है इस बात का कि हमारी हर योजना का लाभ, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे राशन कार्ड की योजना है, चाहे हमारे पेंशन की योजना है, चाहे आयुष्मान भारत है, चिरायु हरियाणा है, ये सब योजनाएँ नीचे तक अपने आप ऑटोमेटिक पहुँच रही हैं और इससे लोग संतुष्ट हैं। इसी प्रकार से जो लोगों की डिमांड्स होती हैं वो हम उनसे ले लेते हैं, कुछ इक्का दुक्का जो डिमांड्स हमको पहले पता होती हैं वो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सारी डिमांड्स को प्रदेश में वहाँ जनसंवाद नाम से एक पोर्टल बनाया हुआ है उसमें नोट करते हैं और उसमें जितने टाइम में जो पूरी होने वाली होती है, अभी तक 14,000 ऐसी डिमांड्स जनसंवाद पोर्टल पर चढ़ चुकी हैं जिसमें से 2,500 पूरी हो गई हैं, बाकी प्रोसेस में चल रही हैं और अभी हर दिन जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे उसमें कभी 500, कभी 700, कभी 1,000 ये नई जो डिमांड्स हैं, नए जो एप्लीकेशन या ग्रीवेंसीज आती हैं वो उनको चढ़ाते हैं और ऑटोमेटिकली उनको बात करके आज विशेष क्या घोषणाएं हैं विकास कार्यों को? जैसे आज तो पिछले दिनों में मुझे पता लगा कि बहुत सालों के बिल पेंडिंग पड़े थे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के। अनुसूचित जाति का जो रेट होता है वो 20 रुपये महीना होता है, अदर देन शेड्यूल कास्ट वो 40 रुपये महीना होता है, लेकिन पिछले 12-13 साल से 2006-07 से बिल पेंडिंग थे। उस समय टंकियाँ बांट दी गई थी, किसी को बिल मांगा नहीं गया, बाद में भी लगातार चलता रहा और अब डिपार्टमेंट ने उसके इंटरेस्ट और उसकी पेनल्टी लगा करके एक एक कंज्यूमर पर 15,000 से 25,000, 30,000, 40,000 रुपये बिल निकाल दिया था। जब हमें पता लगा हमने संज्ञान लिया और हमने ये कहा कि अब केवल जो बिल का राशि है कितने ही साल का है, 20 रुपये महीना, 40 रुपये महीना जो रेट है उसमें इतने 15 सालों का अगर हिसाब लगाएं तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को केवल 4,000 रुपये से भी कम 3,800 रुपये देना पड़ेगा और जो अदर दर शेड्यूल कास्ट है उनको डबल 3,600 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ब्याज और पेनल्टी सारी माफ़ कर दी है, केवल वो और जो पैसा वो तुरंत नहीं दे सकेंगे उनको भी हम किस्तों में लेंगे, किसी को भी दबाव नहीं डाला जाएगा। कितना ही वो करें, उनको जितने सुधार के हमारे कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों से तकलीफ हो रही है, क्योंकि जनता में जो सुधार के विषय जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के झगड़े और प्रॉपर्टीज़ की जो एम्बिगस जो एंट्रीज हैं वो इतनी ज़्यादा वर्षों से लटकी पड़ी थी, जो लोगों को पता ही नहीं होता था, जमीन खरीद ली प्रॉपर्टी के मालिक थे के नहीं थे उनको पता ही नहीं होता था, हमने प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से लंबे समय से कलर और डोगरा का विवाद था वो खत्म हो गया, उस पर क्या कुछ निर्णय हुआ? आपने कहा था कि 1 महीने बाद आएंगे। अभी बात करनी शेष है, कलर के काफी लंबे समय से स्ट्राइक पर है, सरकार ने आदेश भी जारी किया है, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि सप्ताह भर तक वो सारा मामला सर महेंद्रगढ़ का सब है कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकारी पॉलिसी बनाई है, क्या विचार कर रहे हैं? अभी तक तो निर्णय दिया हुआ हाईकोर्ट ने कि 2011 की पॉलिसी के बाद और कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, 2014 की है कांग्रेस सरकार ने बनाई थी वो भी उन्होंने रद्द कर दी थी, उस समय डायरेक्शन यही थी आगे कोई भी इस प्रकार की पॉलिसी नहीं बनेगी। नई कोई डायरेक्शन आप जो बता रहे हैं अगर ऐसी होगी तो कोई ना कोई सर IMT का कार्य है उड़ाना IMT का वो जो कि तो कार्य है सर। नहीं देखिए IMT का क्योंकि जमीन का पहले विवाद था, वो विवाद हल हो गया, पंचायत ने भी देना शुरू कर दिया, कुछ और जो बीच में जमीन प्राइवेट थी उन्होंने भी ऑफर कर दी है एक भूमि पर लेकर को। सर जी एक स्टूडेंट से जुड़ा मामला है सर जी, चलिए सर महेंद्रगढ़ सब डिपो सर।